वेलकम स्टूडेंट, क्लास टेंथ में सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस फाइंड करनी है। फिगर नहीं है गिवन, ये फिगर नहीं है, ये इस क्वेश्चन की फिगर है। तो फिगर बनाएंगे, एक सर्कल बाहर एक पॉइंट है Q, फ्रॉम ए पॉइंट Q, Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। टेंजेंट की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर, लेफ्ट सेंटर इज ओ, फ्रॉम ओ द डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लीजिए पी मान लेते हैं, ओ पी फाइंड करना है, ओ पी इज रेडियस, रेडियस फाइंड करना है आर। वी नो दैट ओ पी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू जो टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने अपोजिट, इसके अपोजिट ओ क्यू हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो या हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओपी का स्क्वायर, ओपी है परपेंडिकुलर और बेस है पीक्यू, पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू है ओक्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओपी जो कि रेडियस है, आर, आर का स्क्वायर प्लस पीक्यू है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576 इज इक्वल टू 625 माइनस हो जाएगा इसमें से जो लेफ्ट में है 576 माइनस करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 माइनस करेंगे 49, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। ए इज आवर राइट आंसर। तो इस तरह से इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन जिसमें फिगर बनी हुई है पहले से ही, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, शो दैट, इस प्रकार से है कि पीओक्यू ये वाला एंगल दिया हुआ है 110, एंगल पीटीक्यू फाइंड करना है, पीटीक्यू। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, एंगल ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360, तो 90 ये 180 ये हो गए, तो इन दोनों का भी सम 180 मिलेगा। तो ये 110 है, तो 180 में से इस 110 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 70 डिग्री का जो है एंगल मिलेगा हमारा, एंगल पीटीक्यू, ये 110 है, तो ये 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही वन मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है, इन दोनों का सम 180 मिलता है, इन दोनों का भी 180 होगा और इन दोनों का भी 180।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल। देखिए पी ए और पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टेंजेंट है यहाँ पे, ये एक सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, तो P यहाँ पे एक पॉइंट है मान लीजिए, एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से PA एक टेंजेंट हो गई, PA ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A हो गया, दूसरा दूसरी टेंजेंट होगी हमारे पास PB, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B हो गया। P एंड PB ओके फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल 80 डिग्री, ये दोनों इंक्लाइंड यानी कि एंगल इनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यहाँ पे 80 डिग्री, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पी ए और पी बी के बीच में 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पी ओ ए फाइंड करना, ध्यान रहे पी ओ ए ये बड़ा एंगल निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ ओ पी को मीट किया और ओ ए को, ये बड़ा एंगल फाइंड करना है, ये पूरा 80 डिग्री का है जान रहा है, ये पूरा 80 डिग्री का ये वाला एंगल, तो हम इसको भी मीट कर देते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये एंगल और ये पूरा जो एंगल है, ये कंप्लीट जो एंगल है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 80 माइनस करें यहाँ पे तो 100 आ गया, तो 100 का ये कंप्लीट है, ये दोनों कोंग्रेंट ट्रायंगल होती है, कोंग्रेंट ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो 100 है तो हाफ यानी कि 50 डिग्री का इधर हो गया, 50 डिग्री का इधर हो गया, तो 50 डिग्री इज आवर राइट आंसर। ओके थैंक यू।